देखो मेरा फिजिक, और ये जब बॉडी देख रहे हो, जब मैंने शूट किया उस टाइम मेरा 45 kg बॉडी वेट था। इस टाइम में अभी अभी मैंने बल्किंग शुरू किया, तो बल्किंग से पहले मैंने एक वीडियो शूट किया था, तो तुम्हें और एक वीडियो दिखाता हूँ। ये देखो ये क्लिप देखो, इसमें भी मैं काफ़ी लीन हूँ, पूरा वेस्कुलरिटी दिखाई दे रहा है। अभी मैं तुम्हें दिखाता हूँ 6 महीने बल्किंग करने के बाद मेरा वीडियो क्लिप। ये देखो इसमें मेरा बॉडी वेट 65 kg है और विदाउट पंप है, मैंने ऐसे घर पर शूट किया। और बल्किंग में तुम जितनी ज़्यादा टाइम दोगे ना, उतनी अच्छी तरह से बल्क कर पाओगे। और मैं कार्डियो तो 6 महीने में एक दिन भी नहीं किया, तुम चाहो तो हफ्ते में एक बार कार्डियो कर सकते, और ना भी करोगे तो भी चलेगा। ये देखो 1 महीना स्मॉल कैलोरी डेफिसिट में रहने के बाद मेरा फिजिक, स्मॉल का मतलब 300-400 कैलोरी डेफिसिट। वो भी शायद 1 या 2 महीने और ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा बॉडी वर्क, क्योंकि अभी भी थोड़ा फैट है। देखो अगर तुम्हें वेट गेन करना है तो सबसे पहले तुम्हें अपनी बॉडी टाइप को समझना बहुत ज़रूरी है। क्या होता है कि हर किसी का बॉडी टाइप BMR DNA अलग अलग होती है, तो जब तुम अपनी बॉडी टाइप को समझोगे एंड उस हिसाब से तुम अपनी बॉडी पे काम करोगे, तो तुम कम टाइम में एक अच्छी फिजिक अचीव कर सकते हो। तो सबसे पहले तुम्हें अपनी बॉडी को समझना बहुत ही जरूरी है। हमारा बॉडी 3 टाइप की होती है, एक्टोमोर, मेसोमोर एंड इंडोमोर। एक्टोमोर वो लोग होती है जो लोग बहुत स्किनी होते हैं, और इन लोगों का मेटाबॉलिज्म बहुत हाई होता है, और ये लोग कुछ भी खा ले बॉडी पर फैटी नहीं लगता, और इन लोगों को मसल बिल्डिंग एंड वेट गेन करने में बहुत मुश्किल होता है। इन लोगों को बहुत हार्ड वर्क करना पड़ता है अपनी फिजिक को बिल्ड करने के लिए, और जब भी ये लोग मसल बिल्ड करते हैं तो सिर्फ लीन मसल टिश्यू ही गेन कर पाते हैं। नंबर 2 इंडोमोर, तुमने देखा होगा तुम्हारे फ्रेंड सर्कल में कुछ ऐसे लोग हैं जो लोग पूरे दिन भर उतना खाना भी नहीं खाते, सिर्फ अगर पानी भी पीते हैं तो उन लोगों का जो वेट होता है वो बहुत जल्दी गेन हो जाती है। ये लोग जितनी जल्दी वेट गेन कर पाते हैं उतनी जल्दी फैट लॉस नहीं कर पाते। फैट लॉस करने के लिए बहुत ही हार्ड वर्क करना पड़ता है ये लोगों को, और इन लोगों का एक अच्छी बात ये है कि इनका जो स्टैंड लेवल है बहुत ही अच्छी होती है। नंबर 3 मिसोमोर, ये लोग बहुत ही लकी होते हैं, ये लोग बहुत ही जल्दी मसल बिल्ड भी कर पाते हैं, और जब बात आती है वेट लॉस करने की वो भी बहुत ही जल्दी कर पाते हैं। इन लोगों का एक नेचुरल एबिलिटी होता है कि इन लोग जिस भी तरह की फिजिक बनाना चाहते हैं वो इजीली अचीव कर सकते हैं, एंड साथ ही इन लोगों को रिजल्ट भी बहुत फास्ट मिलता है। तो तुम्हें ये आइडेंटिफाई कर लेना है सबसे पहले ये 3 टाइप में से कौन सी टाइप में है तुम्हारी बॉडी। और मैं अगर अपनी बॉडी की बात करूँ तो मेरा एक्टोमोर टाइप की है, मैं जितनी भी खा लूँ उतनी आसानी से मेरा वेट गेन नहीं होता, और फैट भी बहुत मुश्किल से लगता है। देखो वेट तुम 2 तरीके से गेन कर सकते हो, एक होता है हेल्दी तरीके से, दूसरा होता है अनहेल्दी तरीके से। अगर तुम अनहेल्दी तरीके से वेट गेन करते हो, पूरे दिन भर कुछ भी खा रहे हो, समोसा पिज्जा बर्गर, तो उस तरह तुम्हारा वेट तो गेन होगा, लेकिन जब तुम फैट लॉस करोगे तो तुमने जहाँ से शुरू किया था तुम्हारा वेट दोबारा वहीं पर आके रुक जाएगी। इससे बेहतर तो तुम हेल्दी तरीके से वेट गेन करो और पूरा फुल स्टॉप लगा दो कि बाहर की अनहेल्दी चीज़ कुछ भी नहीं खाना, पिज्जा समोसा बिल्कुल बंद, और अपने आप से प्रोमिस करो नहीं खाना मतलब नहीं खाना। देखो वेट गेन करने के लिए तुम्हें कैलोरी सरप्लस में खाना ही पड़ेगा, बिना कैलोरी सरप्लस के तुम कभी भी वेट गेन नहीं कर पाओगे। तो सबसे पहले तुम्हें अपनी मेंटेनेंस कैलोरी निकालना होगा, और मैंने देखा है कि इसमें बहुत लोग मिस्टेक करते हैं, अपना एक्यूरेट मेंटेनेंस कैलोरी नहीं निकाल पाते। मैं तुम्हें सिंपल 2 तरीके बताऊंगा अपनी मेंटेनेंस कैलोरी निकालने के लिए। नंबर 1 तुम्हें गूगल पे जाके BMR सर्च करना है, यहाँ पर हाइट वेट पूरा इन्फॉर्मेशन दे दो, तुम्हारे एक्यूरेट BMR निकल के आ जाएगा। नंबर 2 जो मैं पर्सनली यूज करता हूँ मैं अपनी मेंटेनेंस कैलोरी निकालने के लिए, तो तुम्हें गूगल पे जाना है। फॉर एग्जांपल अगर तुम्हारा 45 kg बॉडी वेट है तो 45 kg to pound वेट सर्च करना है। अभी जितनी पाउंड वेट निकल गया इसे तुम्हें 17 से मल्टीफाई करना है, और ये रहा तुम्हारा मेंटेनेंस कैलोरी। अभी यहाँ पर क्वेश्चन होता है कि मेंटेनेंस कैलोरी से कितने सरप्लस में खाना चाहिए। देखो अगर तुम्हारा 2000 मेंटेनेंस कैलोरी निकल के आया तो वहाँ पर तुम अगर 500 कैलोरी सरप्लस में खाते हो तो एक हफ्ते में तुम्हारा वेट 300 या 400 के आसपास गेन होगा, और उसी जगह तुम अगर 1000 कैलोरी सरप्लस में खाते हो तो एक हफ्ते में तुम्हारा वेट 800 या 900 के आसपास गेन होगा। देखो अगर तुम बहुत ही स्किनी हो तो मेरे हिसाब से तुम्हें यहाँ पर 1000 कैलोरी सरप्लस में खाना चाहिए। आई नो थोड़ा मुश्किल है, लेकिन वेट गेन करने के लिए खाना तो पड़ेगा ना। अगर तुम उतना भी स्किनी नहीं हो तो तुम यहाँ पर 500 कैलोरी सरप्लस में खाओ, एंड तब तक खाते रहो वो कैलोरी तब तक तुम्हारा वेट बढ़ना रुक ना जाए। जब तुम्हारा वेट एक जगह पे आके रुक जाए तो तुम दोबारा अपनी मेंटेनेंस कैलोरी निकालो, फिर से 500 कैलोरी सरप्लस में खाओ, एंड तब तक खाते रहो जब तक तुम अपनी ड्रीम वेट तक पहुँचना जाओ। और यहाँ पर मेन जो दिक्कत आती है कि खाया नहीं जाता, तो तुम यहाँ पर वो फूड आइटम सिलेक्ट करो जिसमें हाई कार्ब एंड हाई कैलोरीज होती है। फॉर एग्जाम्पल ओट्स, पोटेटो, पीनट बटर, बनाना, ये सब तुम अपनी डाइट में ऐड करो, और तुम चाहो तो ये सब शेक बना के भी पी सकते हो एक घूट में 1000 कैलोरी अंदर। और इस वीडियो में मैं तुम्हें लास्ट में बताऊंगा कि भूख लगने के लिए कौन सी सप्लीमेंट तुम यूज कर सकते हो। देखो वर्कआउट, वर्कआउट बहुत इंपॉर्टेंट है, तुम्हें यहाँ पर 5 या 6 दिन जरूर वर्कआउट करनी है। तुम्हें यहाँ पर एक दिन में 3 एक्सरसाइजेस यूज करनी है, ज्यादा से ज्यादा अगर तुम्हारे अंदर एनर्जी बचे तो तुम यहाँ पर 5 एक्सरसाइज कर सकते हो। तुम्हारा तो रेफरेंस होगा 12, 10, 8, 6। अब बात करते हैं सप्लीमेंट के बारे में। देखो जो लोग वेट गेन करते हैं ना, उन लोग जब सप्लीमेंट के बारे में सोचते हैं तो सबसे पहले माइंड में ये आते हैं कि भाई मास्गिनन ले लेते हैं। देखो मास्गिनन एक्चुअल में काम कैसे करती है, मैं ये नहीं कह रहा कि मास्गिनन बिल्कुल ही खराब है, अगर उतना ही खराब होता तो मास्गिनन इतना ज़्यादा नहीं बिकता। अगर तुम एक पेड़ पर चढ़ रही हो तो तुम्हें बहुत दिक्कत हो रही है चढ़ने में, और नीचे से कोई अगर धक्का लगा दे तो तुम आसानी से चढ़ सकते हो,
तो उसी तरह मांस ग्रहण भी काम करती है। अगर तुम पूरी डाइट ले रहे हो और तुम्हारा जो कैलोरीज है वो कहीं ना कहीं तुम मिला नहीं पा रहे हो और तुम्हारा जो कैलोरीज लेवल है बहुत ही हाई है, तो यहाँ पर मांस ग्रहण काम करती है। तुम्हारा डाइट का दूर दूर तक कोई आता पता नहीं है, बस तुम ये सोच के ले रहे हो कि मैं मांस ग्रहण ले लूंगा तो मेरा वेट गेन हो जाएगा, तो तुम बहुत ही गलत सोच रहे हो मेरे भाई। तुम्हारा वेट बिल्कुल भी गेन नहीं होगा। ट्रस्ट मी गाइस, तुम जितनी भी पैसा मांस ग्रहण पे वेस्ट कर रहे हो ना, उतनी पैसा तुम अपनी डाइट में खर्च करो, आई एम श्योर तुम्हारा वेट जरूर गेन होगा, बस तुम कंसिस्टेंसी बना के रखो। और तुम यहाँ पर अपनी भूख बढ़ाने के लिए लीप 52 यूज कर सकते हो, हिमालय का, जो मैंने खुद किया था बल्किंग के दौरान। और मैं लीप 52 एक दिन में 2 टेबलेट कंज्यूम किया था, एक सुबह और एक शाम। साथ ही तुम अपने टेस्टोस्टेरोन को बूस्ट करने के लिए तुम यहाँ पर अश्वगंधा भी ले सकते हो हिमालय का। ये सब नेचुरल हर्ब्स है, इनकी साइड इफेक्ट ना के बराबर है, फिर भी तुम जब भी ले रहे हो तो डॉक्टर से कंसल्ट करके जरूर लेना। अभी तो मेन इंपॉर्टेंट चीज है वो है रेस्ट, जो बहुत लोग इग्नोर करते हैं। तुम एक अच्छी वर्कआउट भी कर रहे हो, एक सही डाइट भी ले रहे हो और तुम रात के 1 या 2 बजे तक फोन यूज कर रहे हो, तो तुम्हें बिल्कुल भी प्रोग्रेस देखने को नहीं मिलेगा। तो अपने बॉडी को रेस्ट देना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आज का वीडियो यही तक था, आई होप आपको वीडियो थोड़ी सी हेल्पफुल लगा होगा। तो मिलता हूँ मैं बहुत ही जल्द और एक वीडियो में, तब तक के लिए ट्रेन हार्ड।